हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। चलो आज आपणे संस्कृत भाषा में संस्कृत नू व्याकरण अने तेमा पण संस्कृत वर्ण परिचय विषे थोड़ी जानकारी प्राप्त करिए। आम तो दरेक भाषा पोताना स्वर अने व्यंजन धरावे ज छे, एम संस्कृत भाषा पण पोताना 13 स्वर अने 33 व्यंजनों धरावे छे। अने आ 13 स्वर अने 33 व्यंजन मळीने कुल 46 संज्ञाओ थाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमने एम थशे के वळी संस्कृत में स्वर अने व्यंजन कोने कहेवाय, तो चालो आजे आपणे संस्कृत में स्वर अने व्यंजन कोने कहेवाय तेनी जानकारी मेळवीए। लेट्स स्टार्ट। विद्यार्थी मित्रों, स्वर कोने कहेवाय तो के जेनो उच्चार स्वतंत्र रीते थई शके तेवा वर्णना मूळ ध्वनि ने स्वर कहेवामां आवे छे। फरीथी विद्यार्थी मित्रों, के जेनो उच्चार स्वतंत्र रीते थई शके तेवा वर्णना मूळ ध्वनि ने स्वर कहेवाय छे। हवे स्वर तो 13 छे एनी तमने खबर ज छे। हवे ते कया कया? विद्यार्थी मित्रों, तो आपणे स्वर जोईए। अ आ ए ई ई ए उ उ ओ रु औ रु रु वगैरे छे। जो विद्यार्थी मित्रों, स्वरो 13 छे, कया कया? अ आ ए ई ई ए उ उ ओ रु औ रु रु वगैरे छे, बराबर ने विद्यार्थी मित्रों? हवे व्यंजनोना 5 प्रकार छे, मैं तमने आगळ जणाव्युं। हवे आ 5 प्रकार कया कया ते विषे जोईए। पहेलुं स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ एटले के अर्धस्वर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन अने पांचमो विसर्ग व्यंजन। विद्यार्थी मित्रों, आम तो दरेक स्वर अने दरेक व्यंजन पोतपोतानुं आगवुं व्यक्तित्व धरावे छे। हवे तमने एम थशे के व्यंजन कोने कहेवाय तो जेनो उच्चार करती वखते स्वरोनी मदद लेवी पड़े तेवा वर्णना ध्वनि ने व्यंजन कहेवामां आवे छे। फरीथी जुओ विद्यार्थी मित्रों, जेनो उच्चार करती वखते स्वरोनी मदद लेवी पड़े तेवा वर्णना ध्वनि ने व्यंजन कहेवामां आवे छे। हवे 13 स्वर छे ए तो तमने खबर ज छे, पण ए सिवायना 33 जे शब्दो छे एने व्यंजन कहेवामां आवे छे। तो व्यंजन 33 छे, कया कया? तो के क ख ग ग अंग च छ ज ज ट ठ ड ड अण त थ ड द न प फ ब भ म य र ल व स स श ह। जो विद्यार्थी मित्रों, केटला छे व्यंजन? तो के 33 व्यंजन। कया कया? क ख ग ग अंग च छ
ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स श ह। आटली जानकारी आपणे प्राप्त करी। हवे विद्यार्थी मित्रों, व्यंजनों में सौथी पहलू व्यंजन स्पर्श व्यंजन, तो ये कोने कहेवाय? तो के क थी म सुधीना 25 व्यंजनों ने बोलवा माटे आपणे जीभनो स्पर्श करवो पड़े छे। जो विद्यार्थी मित्रों, फरीथी स्पर्श व्यंजन कोने कहेवाय? तो के क थी म सुधीना 25 व्यंजनों ने बोलवा माटे आपणे जीभनो स्पर्श करवो पड़े छे। माटे क थी म सुधीना 25 व्यंजनों ने स्पर्श व्यंजन कहेवामां आवे। एमां आपणे जीभनो स्पर्श करवो पड़े छे, बोलती वखते जीभनो स्पर्श करवो पड़े छे, आथी तेने स्पर्श व्यंजन कहेवाय। बीजू अनुनाशिक व्यंजन कोने कहेवाय? तो के मुखनाशिका वचनोनू नाशिकः, जे शब्दों नाकमांथी बोलाय छे अथवा बोलती वखते नाकमांथी बोलाता होय छे तेने अनुनाशिक व्यंजनों कहे छे। बाळमित्रो, फरीथी के जेने बोलती वखते आपणे नाकमांथी बोलीए छे तेने अनुनाशिक व्यंजन कहे छे। दाखला तरीके अंग, ग, अण, न, म ने अनुनाशिक व्यंजन कहे छे। समझ पड़ी विद्यार्थी मित्रों? त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, एटले के अर्धस्वर व्यंजन कोने कहेवाय? तो के केटलाक शब्दना उच्चारणमां य, र, ल, व अर्धस्वर, जुओ विद्यार्थी मित्रों, अर्धस्वर लागे छे, जेने अंतस्थ एटले के अर्धस्वर व्यंजन कहेवाय छे। चौथो संयुक्ताक्षर व्यंजन कोने कहेवाय? तो के एक थी वधारे व्यंजनों स्वर वगर भेगा थाय तेने संयुक्ताक्षर व्यंजन कहेवाय छे। फरीथी बाळ मित्रों, एक थी वधारे व्यंजनों स्वर वगर भेगा थाय छे तेने संयुक्ताक्षर व्यंजन कहेवाय छे। दाखला तरीके क वत्ता श वत्ता अ बराबर क्ष। फरीथी विद्यार्थी मित्रों, क वत्ता श वत्ता अ बराबर क्ष, ब वत्ता द वत्ता अ बराबर द, अर्धो ब आखो द, द, ज वत्ता ज वत्ता अ बराबर ज्ञ, श वत्ता र बराबर स वत्ता र वत्ता ई बराबर श्री, त वत्ता न वत्ता अ बराबर ल। विद्यार्थी मित्रों, आ थई संयुक्ताक्षर व्यंजनो। हवे पांचमो स्वर, पांचमो विसर्ग व्यंजन कोने कहेवाय? तो के उदाहरण तरीके जोईए रामः, जनः वगैरे शब्दों में म तथा न पछी गुरुविराम। जुओ बाळमित्रों, उदाहरण दाखला तरीके रामः, जनः वगैरे शब्दों में म तथा न पछी गुरुविराम, जुओ बे मिंडा करेला छे, गुरुविराम जेवी जे निशानी छे तेने विसर्ग कहे छे। तेने आ रीते वाँची शकाय, विसर्ग अने एनुं उच्चारण।
बानुहु बानुहु, देवा देवाहा, पुष्पै पुष्पैहि, रामः रामः। विद्यार्थी मित्रों आ रीते एनो उच्चार करी शकाय अने आ रीते एने वाँची शकाय। हवे बाळ मित्रों हूँ तमने थोड़ा विसर्ग आपू छू, ए विसर्ग तमारे नोट में लखीने एनो उच्चार लखवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे तमने आ स्वर अने व्यंजन ते केटला छे, कया 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 स्वर छे कया व्यंजन छे एमां तो समझ पड़ी ज गई हशे। तो हवे आपणे नीचेनी एक्सरसाइज